Hello students, today we will discuss about chapter 8 of class 10, trigonometry. तो थोड़ा नया चैप्टर है, आज तक नहीं पढ़ा आपने 9th क्लास तक. तो इसमें सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है. मीनिंग कैसे क्लियर होगा, इसको डिवाइड कर लेंगे थ्री पार्ट्स में. ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है. इट मीन्स थ्री साइड मेजरमेंट, ठीक है, थ्री साइड मेजरमेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, तीनों साइड को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री में जो हम डिस्कस करते हैं मेनली, दैट इज रिलेशन बिटवीन, जो ये है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. तो जैसे हम कह देते, कोई पूछ लेता है इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि कोई भी माउंट एवरेस्ट की, मान लो माउंट एवरेस्ट है, तो हमें इसकी पीक से की हाइट पता करनी है, बेस से कितनी है. और तो हम कैसे मेजर करेंगे, तो हम कैसे मेजर करेंगे, यहां पर कोई पर्सन खड़ा है जिसको इसकी हाइट मेजर करनी है, तो वो क्या करेगा, किसी एंगल पर अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है. उस एंगल को हम कोई भी एंगल मान सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी. और इसकी जो डिस्टेंस होगा इसकी पीक की हाइट से, ग्राउंड से, ये होगा मान लो 10 मीटर है. तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली बाकी दो साइड्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम निकाल सकते हैं, ठीक है. तो वो क्या होता है, तो वो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली 6 होती हैं, ठीक है. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है. मैं पूरा लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है. और साइन ए क्या है, 30, ठीक है. इसकी रेशियो जो होती है, या इसको हम कभी थीटा मान लेते हैं जनरली थीटा, तो इसकी जो हाइट होती है दैट इज पी बाय एच. कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं कोस ए, कोस थीटा बी बाय एच. टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इट मीन्स टेन ए, इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी. तो यहां से तो अगर हम देखें पी बाय एच है, बी बाय एच है, बी बाय बी है, तो यहां से क्लियर हो जाता है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो हमें टेन थीटा मिल जाता है, ठीक है. तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला क्लियर है, दैट इज साइन थीटा बाय कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है पी बाय एच, कोस थीटा होता है बी बाय एच, एच से एच कैंसिल, पी बाय बी, ठीक है. ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेशियो है. इसके अलावा तीन और हैं, ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट. कोसिकेंट जो होता है बेसिकली रेसिप्रोकल होता है साइन का, ये होता है कोसाइन का, और ये होता है टेंजेंट का, ठीक है. तो कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, इसकी जो रेशो होती है, सॉरी कोसिकेंट थीटा, इसकी जो रेशो होगी 1/sin है, इट मींस 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मींस एच बाय पी. सेम ये क्या होगा सीकेंट थीटा, ये क्या होगा 1/cos थीटा, एच बाय बी. कोटेंजेंट यानी cot थीटा, ये होता है रेसिप्रोकल tan थीटा का, यानी बी बाय पी. तो तीन छह चीजें हमें
क्लियर होनी चाहिए। अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का एक इजी तरीका है जिससे आपको ये भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, ठीक है। तो साइन की जो रेशो होगी पी बाय एच, कोसाइन की जो रेशो होगी बी बाय एच, और टेंजेंट की जो होगी वो होगी पी बाय बी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब डिपेंड करता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम जनरली क्या करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर हम एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम एंगल सी ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। बट अगर हम एंगल ए लेते हैं, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं दोनों आपको केस करा देता हूं, ये एंगल थीटा है तो ये होगा, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, इसमें ही बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब ये जितना भी बताया है ये सारा आपका 8.1 में कवर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है, हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। एक बात और ध्यान रखनी है, एंगल ए और सी हमेशा एक्यूट एंगल होंगे, और एक्यूट एंगल आपको इजीली पता है कि होता क्या है, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि सीधी सी बात है ये 90 है तो ये दोनों 90 से कम नहीं होंगे, तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। ये साइड अगर हमारे पास 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन सी कोसी टेन सी कोसिकेंट सी सिकेंट सी कोट सी, ठीक है, और साइन ए कोसे टेन ए कोसिकेंट ए सिकेंट ए, ठीक है। तो साइन सी, साइन सी इट मीन्स हमें सबसे पहले इसकी क्या बतानी चाहिए, रेशो, रेशो क्या होते हैं हम अलग से लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, ठीक है। तो साइन की रेशो होती है पी बाय एच, तो सबसे पहले तो साइन की रेशो यानी पी बाय एच। अब परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, डिपेंड किस पे करेगा, सी पर यानी एंगल पर, एंगल क्या है सी है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो पता है, तो पहले क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, ये हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम इसे निकालेंगे 5 मीटर आएगा, जिसको नहीं पता वो देख ले, एसी का स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 16 25 एसी का स्क्वेयर, और एसी का जब हम इधर लेंगे तो स्क्वेयर रूट 25 यानी 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 कोस क्या होगा बी बाय एच, बेस क्या होगा इसमें, जब ये एंगल है तो ये बेस होगा यानी 4/5, टेन के लिए 3/4
कोसिकेंट इसका ऑर्डर होता है साइन का, यानी 5/3, सिकेंट कोस का होता है 5/4 और टेन का होता है 4/3। अब साइन ए, अब एंगल क्या है ए, अब ये एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये बेस, तो पी बाय एच रेशियो बनी रहेगी लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा 4/5 h5 है, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/3 cosecant 5/4 secant 5/3 एंड cot 3/4। ठीक है, तो ये आपका 8.1 में है पूरा कंप्लीट। इसकी एप्लीकेशंस है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन है। अब जैसे आपको कई बार क्या करता है 3 sin a = 2 दे दो, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/3 इट मीन साइन ए की रेशियो क्या होती है p/h, परपेंडिकुलर भी पता है हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो बेस निकाल लेंगे हम, ए इधर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए, ये है इधर क्लियर 2 हो जाएगा और ये 3, तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, 9 - 4 √3 आ जाएगा, 9 - 4 √5 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा देख लेते हैं 9 - 4 √5 तो अब हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है, हमें ऐसे रिलेशन दे देगा साइन ए प्लस कोस सी डिवाइड बाय में सेकेंट सी प्लस टेन सी, तो कुछ नहीं करना, पहले इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसके अंदर पुट कर दो, प्लस माइनस आपको करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी 8.1 आ गई है, इस बेस पर आपकी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सोल्व होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। ठीक है।